अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम के पेपर की। सब्जेक्टिव पोर्शन है, उसमें पहला सेक्शन देखें तो पहले सेक्शन में तीन पोर्शन है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन के, जिनमें से आपने कोई से पहले दो में से आठ आठ और तीसरे में से छः करने हैं। तो पहले सेक्शन में दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि 12 में से कोई से आठ करने हैं। राइट डाउन द केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बॉन्ड टेस्ट बी टेस्ट, ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ CO एंड CO2। क्वेश्चन नंबर थ्री है हाउ विल यू कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू द बोरेक्स। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट बेंजीन इनटू द ग्लाइऑक्सल। पांचवा है मेंशन द प्रोडक्ट व्हेन फिनॉल इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट बाय गिविंग अ रिएक्शन। उसके बाद है छठा है गिव टू यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। सातवां है डिफाइन स्पोनिफिकेशन नंबर। सातवां है हाउ पॉलीविनाइल एसीटेट इज फॉर्म, राइट इट्स इक्वेशन। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। दसवां है राइट डाउन द इक्वेशन व्हेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड इन द क्लोराइडल फॉर्म इन रॉ वाटर। ग्यारहवां है डिफाइन एसिड्रेन। बारहवां है मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ क्लोरोफॉर्म्स। उसके बाद आपने इनमें से आठ में बारह में से कोई से आठ करने हैं। तो बात करते हैं तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन, इनमें से भी आपने बारह में से आठ करने हैं। गिव द टू रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ N2O। राइट डाउन फोर यूजेज ऑफ HNO3। गिव रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद NaCl एंड KNO3। कन्वर्ट CH3 मिथेन इन टू द फॉर्मल्डिहाइड बाई कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। पाँचवा है डिफाइन मार्को निको रूल्स, गिव एन एग्जाम्पल। छठा है प्रिपेयर्स ओजोनाइड फ्रॉम इथेन। सातवां है नेम टू मेन फैक्टर विच गवर्न्स द रिएक्टिविटी ऑफ RX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड्स। आठवां है डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक, गिव टू एग्जांपल्स। नौवां है व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। दसवां है व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, गिव टू एग्जांपल। ग्यारहवां है राइट डाउन फोर एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर। बारहवां है राइट डाउन टू केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। उसके बाद चौथा है, इसमें से आपने नौ में से कोई से छः करने हैं। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, जो कि दर्जा आपके सामने है। गिव दी सिस्टमिक नंबर ऑफ फॉलोइंग, इधर जैल के आपने नाम लिखने हैं, सिस्टमेटिक नेम जो है। उसके बाद तीसरा है व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल मेटल एटम, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। चौथा है हाउ आर इथीन एंड डाई इथाइल ईथर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। पांचवा है एक्सप्लेन दी लैकस टेस्ट, ये लैकस टेस्ट कौन से होते हैं। उसके बाद छठा है गिव रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमाइन वाटर एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। उसके बाद है सातवां व्हाट इज बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन टेस्ट, गिव रिएक्शन। आठवां है हाउ डज हाइड्राजन रिएक्ट विद एसीटोन। उसके बाद नौवां है राइट रिएक्शन बिटवीन द एसिटिक एसिड एंड अमोनिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। जिस तरह इन नौ में से आपने कोई से छः करने हैं। सेक्शन टू में देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई से पाँच है, इनमें से आपने कोई से तीन करने हैं। पांचवां क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी, गिव इट्स ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद दूसरी इसकी जूस है एक्सप्लेन द पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ ब्रिलियम। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा है छठा, छठे की ये जूस है व्हाट हैपन व्हेन ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, डाइल्यूट H2SO4, एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, NH3, CO2। एक एक नंबर है सबका। उसके बाद दूसरी इसकी जूस है हाउ इज यूरिया मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, डिस्क्राइब इन डिटेल। दो लॉन्ग क्वेश्चन। तीसरा है सातवें की ये जूस है व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ इथाइन बाय SP हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी जूस है एक्सप्लेन द फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ बेंजीन अलोंग विद इट्स मैकेनिज्म। आठवां है हाउ कैन इथाइन बी कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड और एस्टाइलडिहाइड। बी जूस है डिस्कस SN1 मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और नौवां लॉन्ग क्वेश्चन है विच इज़ लास्ट, डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स इन डिटेल। एंड उसकी जो दूसरी जूस है हाउ कैन यू प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्राम इथनोइक एसिड, इथाइल अल्कोहल, इथेन, सोडियम एसीटेट एंड एस्टिक एनहाइड्राइड। तो इन पांच में से कोई से आपने तीन लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और नेक्स्ट सेकेंड टाइम वाले बच्चों के लिए अल्लाह बेहतर करेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।